वेलकम टू बैक दुनिया टाइम्स। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने यमन में होती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों की निंदा की है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने यमन में होती विद्रोहियों पर हमले की निंदा की, इसे ताकत का गलत इस्तेमाल बताया। अमेरिका और ब्रिटेन को लाल सागर को खून के समंदर में बदलने का आरोप लगाया। तुर्की यमन की मान्यता प्राप्त सरकार और संयुक्त राष्ट्र की शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है। हूती विद्रोहियों का यमन के ज्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण है। वे ईरान के समर्थन से लड़ रहे हैं। वे इसराइल के गाजा पर हमले का विरोध कर रहे हैं। वे लाल सागर के मुहाने पर शिपिंग लेन पर हमला कर रहे हैं। तुर्की हमास को एक आतंकी संगठन नहीं मानता है। वह इसराइल की कड़ी आलोचना करता है। नाटो का सदस्य होकर वह पश्चिमी देशों की इसराइल का समर्थन करने पर आलोचना करता है। अब आगे तुर्की कुछ करता है या सिर्फ बयान ही देगा? आपके पास और कोई सवाल हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।